मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 67 सीटों के लिए 11 जिले शामिल हैं और 15 फरवरी को वोटिंग होगी। फेज टू में 67 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 67 और इसमें 11 जिले शामिल हैं। इस फेज के लिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 जनवरी को होगा, 20th जनवरी। और नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी 27 जनवरी। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 28 जनवरी और कैंडिडेट का विड्रॉल 30 जनवरी और यहां पर पोल 15 फरवरी। फेज टू में पोल 15 फरवरी। मैं मोटा मोटा आपको बता दूंगा, इस फेज टू में वो जिले शामिल होंगे जो उत्तराखंड से बॉर्डरिंग है। वही नसीम जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा मची घमासान को लेकर क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुना रहे हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन हमने करी है कि अगर कोई टीवी चैनल पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा फोन किया जाता है और उस चैनल पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के विवाद के बारे में, पिछले 2-3 दिन में हमारे पास प्रत्यावेदन आए हैं दोनों समूहों की तरफ से, एक श्री मुलायम सिंह जी की ओर से और दूसरा श्री रामगोपाल यादव एंड श्री अखिलेश यादव जी की ओर से। कल शाम श्री रामगोपाल यादव की ओर से एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल हमारे कमीशन में प्रस्तुत किया गया है। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय